अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है तो तमा सब ठीक हुंदा। आज जो पांजो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करदा सी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी खान, जे में पढ़ना सी पण फर्स्ट चैप्टर जो नालो है द बायोलॉजी। अज जो पा फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट कंदी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का, जैमें पा पढ़ासी चैप्टर नंबर वन जो नालो है द बायोलॉजी। द बायोलॉजी स्टार्ट करण का पैरी पा पढ़ासी साइंस जो कुछ बैकग्राउंड। साइंस है चा? साइंस लैटिन वर्ड आ साइंटिया मतलब है, जैसी मीनिंग है नॉलेज। हाँ, नॉलेज तो तरह तरह की नॉलेज होंगी है, जड़ो कि इंग्लिश की नॉलेज, उर्दू की नॉलेज, जनरल नॉलेज। नॉलेज हाँ यहाँ ऑब्टेन कड़े बेसिस से कंदी, टे बेसिस से ऑब्टेन कंदी नॉलेज। फर्स्ट वन है ऑब्जर्वेशन, सेकंड वन है हाइपोथेसिस, थर्ड वन है एक्सपेरिमेंट। हाँ जैसे ये टे बेसिस पान में मौजूद होंदा तो पाँगी नॉलेज इंक्रीज थी। हाँ साइंस जहाँ कुछ टाइप्स, पे टाइप्स है यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस में पान पूरी यूनिवर्स के बारे में पढ़ा हूँ। यूनिवर्स जड़ो के यूनिवर्सल साइंस जो टे मेन ब्रांचेस हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। आई सोशल साइंस में पान पीपल्स आई सोसाइटीज जी स्टडी करना हूँ, पीपल्स एंड सोसाइटीज जी स्टडी करना हूँ सोशल साइंस में। फॉर्मल साइंस में पान स्टडी करना हूँ मैथमेटिक्स, स्टेटिक्स, लॉजिक्स वगैरह, या फॉर्मल साइंस में स्टडी करना हूँ। हाँ फर्स्ट वन पा दिसूँ था यूनिवर्सल साइंस। यूनिवर्सल साइंस में टे मेन ब्रांचेस अची वन, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। फर्स्ट पा कंसिडर कंदी बायोलॉजी के। बायोलॉजी है छा? बायोलॉजी ब ग्रीक वर्ड है, बायो मानी लाइफ, लोगास माने डिस्कशन, थॉट, रीजनिंग। लाइफ मुतलक उन लाइफ जी स्टडी क्यों हुआ बायोलॉजी में कंदासी। हाने लाइफ ब तरह ते रहंदी आ, एकड़ी जेके पानी में रहंदड़ हो जे लाइफ उनके चंदा एक्वाटिक लाइफ। पेरी पांजी लाइफ जेकी इवोल्व थी हुई हुआ फर्स्ट एक्वाटिक मा लाइफ इवोल्व थी हुई। सेकंड आ टेरेस्ट्रियल लाइफ, जेका जमीन ते रहंदड़ लाइफ हुए उनके चंदा टेरेस्ट्रियल लाइफ। हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफाई कयो वियो 1969 का पेरी, लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफाई कयो वियो ब किंगडम्स में, जैमें यूनि मल्टी सेल्युलर बई किस्म जहा लिविंग ऑर्गेनिज्म रखा वा हुआ इन बिन किंगडम्स में, जड़ो के प्लांट्स आ गड अलजी, क्लोला, अल्वा आई बिया मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म प्लांट सा गड रखा वह हुआ, जड़ो के बैक्टीरिया वगैरह सब यूनि सेल्युलर ऑर्गेनिज्म आई मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म गड रखा वह हुआ बिन किंगडम में। एनिमल्स सा गड मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हुआ आई कुछ यूनि सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जड़ो के एमोबा, पेरामिशम, युगलिना सब ये एनिमल्स किंगडम्स में रखा वह हुआ। रॉबर्ट एच वाइटेकर जी तो इन बिन किंगडम्स का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे आयो। रॉबर्ट एच वाइटेकर 1969 में लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफाई कयो पंज किंगडम्स में। पे किंगडम है किंगडम प्रोक्रियोटिक मुनेरा। हाँ ये पंज किंगडम्स में तो क्लासिफाई कयो केड़े बेसिस से क्लासिफाई कयो? फर्स्ट बेस है इन जी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। पेरियां लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिंपल खां कॉम्प्लेक्स डिठो वियो। रॉबर्ट एच वाइटेकर 1969 में लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफाई कयो पंज किंगडम्स में। उन्हें क्लासिफाई कयो पंज किंगडम्स में एकड़ी बेसिस ते, जेके टे बेसिस डिठा वया। पेरियां लिविंग ऑर्गेनिज्म के सिंपल टू कॉम्प्लेक्स डिठो वियो, त सिंपल केड़ा केड़ा लिविंग ऑर्गेनिज्म अची था वन। बे लेवल ते उन्हनि जो सेल्युलर लेवल डिठो, सेल्युलर लेवल केड़ा यूनिसेल्युलर आन केड़ा मल्टी सेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म आन।
हाणे टे बेसिस ते लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफाई कयो न्यूट्रिशन लेवल ते केड़ा हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आहिनि केड़ा ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आहिनि फर्स्ट किंगडम ॾिनो वियो किंगडम प्रोक्रियोटिक मुनेरा किंगडम प्रोक्रियोटिक प्रोक्रियोटिक मां जी माना आहे विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इहे उहे ऑर्गेनिज्म हुआ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हुआ ऐं प्रोक्रियोटिक हुआ जंहिंमें का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऐं ॿियूं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूदु न हुयूं जेके बैक्टीरिया ऐं साइनोबैक्टीरिया इन किंगडम्स में रखिया विया हुआ इन खां बाद में ॿियो किंगडम ॾिनो वियो किंगडम प्रोटिस्टा हाणे मूं तव्हांखे ॿुधायो त लिविंग ऑर्गेनिज़म खे क्लासिफाई कयो सिंपल खां कॉम्प्लेक्स ही सिंपल पहिरियां सिंपल ऑर्गेनिज़म हुआ बैक्टीरिया जंहिंमें हिकिड़े सेल वारा ऐं प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिज़म हुआ हाणे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म आया कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म इन खां कुझु थोरा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म आया जेको यूनिसेल्युलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज़म यानी के इन्हनि जे सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूदु आहिनि ऐं यूनिसेल्युलर यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज़म आहिनि जहिड़ो के युगलिना पैरामीशम ऐं इन में हिकिड़े क़िस्म जो अल्जी जो हिकिड़ो टाइप अल्वा जेको मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़म हो इन किंगडम्स में रखियो वियो जंहिंजो नालो प्रोटिस्टा खां प्रोटिस्टा में कन्वर्ट थी वियो जंहिंखे पाण हिनखे रेगबेग ऑफ किंगडम बि चवंदा आहियूं हाणे थर्ड किंगडम आहे किंगडम फंजाए किंगडम फंजाए सभु मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़म हुआ इन्हनि जे सेलनि खे ॾिठो वियो इन्हनि जा सेल यूकेरियोटिक हुआ ऐं इन्हनि में क्लोरोफिल मटीरियल यानी कि ग्रीन मैटर मटीरियल कोन हो तंहिं करे हू पंहिंजो न्यूट्रिशन ही पंहिंजी न्यूट्रिशन एब्ज़ॉर्ब करे खाईंदा आहिनि एब्ज़ॉर्ब करे जहिड़ो की एग्ज़ाम्पल ॾिना विया एग्रीकल्चर मशरूम जेको पंहिंजे फूड तौर ते एडेबल हूंदी आहे ऐं इन्हनि में हिकिड़ो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म ईस्ट इन किंगडम में रखियो वियो हाणे किंगडम प्लांटी इहे उहे ऑर्गेनिज़म जेके मल्टी सेल्युलर आहिनि ऐं इन्हनि जे सेलनि खे वधीक डिस्कस कयो वियो त इन्हनि जा सेल यूकेरियोटिक हुआ इन्हनि में ग्रीन मैटर क्लोरोफिल मौजूदु हो क्लोरोफिल मटीरियल मौजूदु हो ताकी हू पंहिंजो फोटोसिंथेसिस ज़रिए पंहिंजो खाधो पाण तयारु करे सघनि हिननि में जा एग्ज़ाम्पल आहिनि मॉस फर्न ऐं पाइनएप्पल वग़ैरह ट्रीस जेकी भई इन किंगडम में रखिया विया हुआ हाणे किंगडम एनिमिलिया किंगडम एनिमिलिया इहे सभु मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज़म हूंदा आहिनि ऐं यूकेरियोटिक हूंदा आहिनि इन्हनि में ग्रीन मैटर मौजूदु न हूंदी आहे नॉन क्लोरोफिल मटीरियल मौजूदु हूंदो आहे क्लोरोफिल मटीरियल मौजूदु न हूंदो आहे तंहिं करे हू पंहिंजी न्यूट्रिशन कीअं हासिलु कंदा आहिनि इंजेस्ट करे न्यूट्रिशन हासिलु कंदा आहिनि जहिड़ो की हाइड्रा आहे अर्थवर्म आहे ह्यूमन बींग्स आहे इहे सभु किंगडम एनिमिलिया में था अची वञनि हाणे साइंटिस्टनि लिविंग ऑर्गेनिज़म खे उन जी शेप ऐं साइज़ जे बुनियाद ते डिस्कवर कयो 1.5 मिलियन स्पीशीज़ डिस्कवर कयूं 1.5 मिलियन स्पीशीज़ साइंटिस्टनि डिस्कवर कयूं उन जी शेप ऐं साइज़ जे बुनियाद ते समाल में समाल लिविंग ऑर्गेनिज़म हो बैक्टीरिया जंहिंजी साइज़ हुई 0.001 मिलीमीटर जॾहिं त लार्ज में लार्ज लिविंग ऑर्गेनिज़म हो ब्लू वेल जेको वाटर में रहंदड़ एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिज़म आहे जंहिंजी साइज़ हुई 40 मीटर लॉन्ग हुई ऐं इन जो वेट जेको हो न 150 टन हो जॾहिं त ॿूटनि में ॾिठो वियो ॿूटनि में रेड वुड ट्रीज़ जेको 300 फीट लंबा हुआ हाणे अॻिते हलूं था ब्रांचिस ऑफ बायोलॉजी ते मेजर त टे ब्रांचिस हुयूं बायोलॉजी जूं जंहिंमें एनिमल्स जी स्टडी ज़ूलॉजी में कई वई ऐं प्लांट्स जी स्टडी बॉटनी में कई वई हिकिड़ी थर्ड वन हुई जेके माइक्रो ऑर्गेनिज़म सफ़ा स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म जेको माइक्रोस्कोप में ॾिठा विया हुआ उहो माइक्रो बायोलॉजी में रखियो वियो माइक्रो बायोलॉजी में हाणे ॿियूं ब्रांचिस आहिनि बायोलॉजी जूं हिकिड़ी आहे मालिकुलर बायोलॉजी मालिक्यूल जी स्ट्रक्चर ऐं फंक्शन
जी स्टडी क्यों जे मालिक्यूल्स आपस में स्ट्रक्चर फंक्शन स्ट्रक्चर आपस में मालिक्यूल्स मिली करे ऑर्गेनेल्स ठाइन ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल ठाइन्स उन्हें के मालिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी किया वेंद माइक्रो बायोलॉजी तक बुधायम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी क्यों माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पान के आम अख से नजर न इंदा इन माइक्रोस्कोप जरिए दिखो वो जड़ो कि वायरस थी बैक्टीरिया थी बो प्रोटोजोन थी एमोबा पैरामेशम युगलिना सब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हाँ थर्ड आ एनवायरमेंटल बायोलॉजी एनवायरमेंट की स्टडी क्यों एनवायरमेंट में जो रहंदड़ ऑर्गेनिज्म उनके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ूँ वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी के एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो बो नालो है इकोलॉजी हाँ टो चौथी ब्रांच है मेरीन बायोलॉजी उ ऑर्गेनिज्म जो समुंदर सी ए ओशन में रहंदड़ होजन समुंदर दरियाओं में रहंदड़ ऑर्गेनिज्म होजन जैसी फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दिसूँ एनवायरमेंट के हिसाब से उनके मेरीन बायोलॉजी में पढ़े स्टडी कई वी फ्रेश वाटर बायोलॉजी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो मिठे पानी में रहंदड़ होजन मिठे पानी में यानी कि उन्हें फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ू एनवायरमेंट के हिसाब से वह फ्रेश वाटर बायोलॉजी में हाँ चौथ हाँ आए बी ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी पैरासाइटोलॉजी वो पैरासाइट आई उनके होस्ट से होस्ट के स्टडी क्यों पैरासाइट कि होस्ट में पैंजी लाइफ साइकिल चालू क्या उनमें ट्रांसफर थी उनकी स्टडी पैरासाइटोलॉजी में कई वी ह्यूमन बायोलॉजी ह्यूमन बायोलॉजी में बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ मैन यानी कि इंसान के बारे में स्टडी क्यों इंसान की एनाटॉमी जी इंटरनल स्ट्रक्चर हो उनकी फिजियोलॉजी यानी कि फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स कि ऑर्गन्स आपस में फंक्शन करन फिजियोलॉजी हाँ आए यह जी स्टडी कई वी इंसान की वह ह्यूमन बायोलॉजी में कई वी हाँ आए सोशल बायोलॉजी सोशल बायोलॉजी में जी भी मेंबर ऑफ स्पीशीज यानी कि पॉपुलेशन एकड़ी मेंबर ऑफ स्पीशीज यानी कि पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करन उन्होंने न्यूट्रिशन उन्होंने गिजा जी ह्यूमन बींग्स थी सब इंटरेक्ट करन वह स्टडी कई वी सोशल बायोलॉजी में हाँ आखिरी ब्रांच है लास्ट ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी जी कें भी जेनेटिक बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियर टेक्नोलॉजी की मदद से लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ प्रॉब्लम्स जो भी हल क्या वन स्पेशली जो ह्यूमन बींग्स उ स्टडी कई वी बायोटेक्नोलॉजी में उम्मीद है तक लेक्चर्स समझ में आयो हों इन उम्मीद है तक लेक्चर्स समझ में आयो हों वरी मुलाकात थी एक नए लेक्चर से गड जैमें पा पढ़ी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन तेसी ताई स्टे होम स्टे सेफ खुदा हाफिज़।